बच्चे उत्सुकता से अपनी माँ की वापसी का इंतजार कर रहे हैं, जो कि माँ तेंदुआ शिकार पर निकली थी। दोस्तों प्लीज हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। माँ तेंदुआ ने अपने शिकार को घूरती हुई आंखों से देखा और अपने शिकार को टपकाने के लिए निकल पड़ी, लेकिन चालाक इम्पाला बचकर भाग जाता है। माँ तेंदुए के लंबे समय तक शिकार करने से उसके सावकों की जान जोखिम में पड़ जाती है। माँ तेंदुआ इतने लंबे समय तक इंतजार करने के बाद खाली हाथ तो नहीं लौटने वाली थी, इसलिए माँ तेंदुआ ने इस बार एक छोटे से पक्षी उल्लू को अपना निशाना बनाया और एक मासूम उल्लू माँ तेंदुआ का भोजन बन गया। उसके बारे में जाने बिना पास की एक शेरनी ने अकेले तेंदुओं के सांपों की दूर से आ रही आवाज को सुना और वह उसकी जांच करने वहां पहुंच गई। दोस्तों प्लीज हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसने वहां पहुंचते ही एक सावक को अपने मुंह में दबा लिया, जो कि बेहद दृश्य वाकई दिल दहला देने वाला था। इस शेरनी का सामना उसके पिता से हुआ, जो कि उसकी बहुमूल्य संतान में से एक को अपने मुंह में दबाए हुए था। दोस्तों प्लीज हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब माँ तेंदुआ शिकार से वापस लौटी तो जो उसने देखा उसे अपनी आंखों द्वारा देखे गए दृश्य पर यकीन नहीं हुआ। उसे जिसका डर था वही हुआ और वह मन ही मन अपने आप को कोसने लगी। दोस्तों अगर आपको ये मेरा छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत कीमती है। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।